नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, भागीदारी संकल्प मोर्चे के जो भी घटक हैं, जहां हैं, अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसका सबूत यह जुलूस देख लीजिए, यह रैली देख लीजिए। रैली नहीं, वैला है ये। हजारों की भीड़ गाड़ियों का काफिला ये जन अधिकार पार्टी का है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं। इधर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ताकत बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से भागीदारी संकल्प मोर्चे का और जो घटक हैं, 10 घटक सब जगह जगह जहां उनका क्षेत्र है, ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप देख लें, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कन्नौज के लोगों ने किस तरह से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का स्वागत किया, और इतनी भारी संख्या में इतना उत्साह है वहाँ के लोगों में कि ये दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को पलटने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा एकदम से कृत संकल्प हो चुका है। और साथ ही इसमें हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह की रैली, इस तरह की सभा, जगह जगह भागीदारी संकल्प मोर्चे के सभी घटक कर रहे हैं। थोड़ा जो छोटी पार्टियां उनका थोड़ा कम है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जन अधिकार पार्टी, इसका तो पूछना नहीं है। इनके पीछे तो जनता का वेला निकल जा रहा है। जहां भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी या बाबू सिंह कुशवाहा जी जा रहे हैं, वहां पे वेला निकल जा रहा है। इतना ही नहीं, जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य भी बहुत मेहनत कर रही हैं। जहाँ जहाँ जा रही हैं, इस तरह के वैला उनके साथ, उनके साथ तो कम ज़्यादातर महिलाएं सामने आके उनका स्वागत कर रही हैं। कि आज़ादी के 74 साल हो गए, भारतीय संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने या संविधान निर्माताओं ने जो लिखा है कि देश के गरीब के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हक अधिकार देने की बात भारतीय संविधान में लिखी है, वो आज तक नहीं मिली। उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को जिताया है जो ये नहीं चाहते कि देश का दलित, पिछड़ा, अकलियत आगे आए। इसलिए अगर हमें अपना हक अधिकार लेना है, अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो हमें चुनाव के जरिए अपने विचारधारा के लोगों को जिता करके विधानसभा में, लखनऊ में और दिल्ली के लोकसभा में जीतना होगा जी। ताकि हमारा हित हो सके। जब तक हमारे लोग वहां नहीं जाएंगे जी, तब तक हमारा हित नहीं होगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।